नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज निगाहें निकिता कश्यप के साथ। 28 दिसंबर को गोंडा में रहने वाले फाइनेंसर सुरेश प्रजापति की हत्या के मामले को लेकर परिवार वालों ने उत्तर पूर्वी जिला उपायुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि उत्तर प्रदेश से मामले को दिल्ली में लेकर उसकी जाँच की जाए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हाथों में पोस्टर बैनर लिए उत्तर पूर्वी पुलिस उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ये मृतक सुरेश प्रजापति के परिजन हैं, जो मृतक सुरेश को इंसाफ दिलाने के लिए उपायुक्त कार्यालय पर जमा हुए हैं। इनकी मांग है कि 28 दिसंबर को हुई फाइनेंसर सुरेश की हत्या का मामला उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर कर दिल्ली में लेकर मामले की जांच की जाए और जल्द से जल्द मृतक सुरेश को इंसाफ मिले, साथ ही साथ उसके हत्यारे सलाखों के पीछे हों। दरअसल 28 दिसंबर 2018 को फाइनेंसर सुरेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका शव पास की ट्रोनिका सिटी में मिला। इसके कारण मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा था और डेढ़ माह बीत जाने के बाद अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। इससे गुस्साए परिजनों ने उत्तर पूर्वी उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया, जिसमें उनकी मांग है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली में इस मामले को लिया जाए और उच्च स्तर पर कार्रवाई कर आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। अपने पति के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए और केस दिल्ली में दिल्ली पुलिस वालों के लिए कि वो कार्रवाई करे आगे। अच्छा। यूपी पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं, डेढ़ महीना हो गया वो शांत बैठे हुए हैं। आगे ये है कि जो हमारी फाइल है उसका प्रॉपर पता लगे कि वो है कहाँ, जो उसे दबाया जा रहा है वो ये पता लगे किस थाने में कहाँ है, किस जगह है, किसके हाथ में है। क्यों हमें इन्फॉर्म नहीं करा जा रहा कि हमारी फाइल कहाँ पर है? वो बोलते हैं कि ज्योतिनगर थाने जाओ, ज्योतिनगर वाले बोलते हैं डीसीपी ऑफिस जाओ, वो फिर हम ज्योतिनगर थाने में, ज्योतिनगर वाले थाने कह रहे हैं कि हमने टोनिका सिटी भेज दी। अरे हमारे फाइल, हमें ये भी पता है कि फाइल दिल्ली में, टोनिका सिटी वाले कह रहे हैं हमारे पास फाइल नहीं आई है, तो फाइल तो दिल्ली में ही है ना, तो फिर उसे दबाया जाए क्यों रहा है, उसका पता लगना चाहिए हमें। जो मर्डर मामले की जो फाइल है वो दिल्ली में ट्रांसफर हो चुकी है, अभी उसको हमें सोमवार तक का वक्त दिया गया है, जिस पर मंथन करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के सरकारी वकील है, उच्च अधिकारी है, वो उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो मामला है ये रजिस्टर दिल्ली में होगा या नहीं होगा। इसका समय में सोमवार तक का दिया गया, उसके बाद अगर ये मामला हमारा रजिस्टर नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन लेके यहाँ से और संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे न्याय को पाने के लिए। मार मूर के जो वहाँ घेरा जाकर, मार मूर के वहाँ घेर घर के, जिस समय यूपी यहाँ का दिल्ली का केस नहीं बने और यूपी का केस बने, हम भाग दौड़ नहीं कर पाए और यहाँ से फिर वहाँ से गिर, हम चारों माई घूम रहे हैं और हमारे को सुनवाई नहीं कर रहे, वहाँ से लाओ लिखवा के यहाँ से लो, हम दिल्ली में जब लेंगे, अब जो हम दिल्ली में लिए हैं तो अब भी सुनवाई नहीं कर रहे, अब नु उल्टी जाएगी फैल, तो क्यों जाएगी उल्टी फैल। अब उपायुक्त महोदय ने मामले को गंभीरता से समझते हुए परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले का संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों का विश्वास है कि दिल्ली पुलिस अगर इस मामले को लेती है तो जल्द ही मृतक सुरेश के हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। प्रिंस सोलंकी के साथ निकिता कश्यप, तेज निगाहें दिल्ली। तेज निगाहें के दर्शकों से अपील है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सबसे पहले हमारी खबरों को देख सकें, और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए निकिता कश्यप को इजाजत, नमस्कार।